हमारे मुतल्लिक कैसरो किसरा से पूछो, कुर्तबर गरनाता से पूछो, इराक और उसके नखलिस्तानों से पूछो, मिसर और उसकी वादियों से जाके पूछो, अलजजायर और उसके जंगलात से पूछो, इंडोनेशिया और मलेशिया के जजीरों से जाके पूछो कि हम कौन हैं। अरे हम वो हैं जिन्होंने जहालत के अंधेरों के अंदर हदायत की शमा को रोशन करके दुनिया को बताया कि सीधा रास्ता इस तरफ है। अरे हमने उस दौर के अंदर भी अदल किया जब लोग जुल्म और सितम किया करते थे, लोग शाहों को झुकते थे, मूर्तियों की पूजा किया करते थे। अरे हम मोहम्मद मुस्तफा की सीरत के किरदार को ओढ़ के चले और कुफारे के हर उनकी साजिश को, उनकी हर तकदीर को हमने खाक में मिला के रख दिया था। अरे हमारे अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, शेख अब्दुल कादर जिलानी, शेख इब्ने अरबी, शाह शम्स तबरेज जैसे अजीम सूफिया पैदा हुए। अरे हमारे अंदर इमाम बुखारी, अलामा इब्ने जौजी और जलालुद्दीन सयूती जैसे अजीम उलामा पैदा हुए। अरे हमारे अंदर जाबिर बिन हरियान, बू अली सीना और अल बैरूनी जैसे अजीम साइंसदानों ने जन्म लिया। अरे हमारे अंदर खालिद बिन वलीद, सलाहुद्दीन अयूबी और तारिक बिन जियाद जैसे अजीम सिपा सलार आए, जिनको देख के इकबाल ने कहा था कि हमारा हर खलीफा इंसानियत की आला मिसाल था, हमारा हर कायद और सिपा सलार अल्लाह की तलवार था। अरे हम वो हैं जिनका झंडा 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर लहरा रहा था और फिर क्या हुआ कि बगदाद की ईंट से ईंट बजाई गई, कुर्तबा और गरनाता को तुमसे छीन लिया गया, फलस्तीन को तुम्हारे ही खून से रंगीन किया गया, कश्मीर को गुलामी का तोप पहनाया गया, बोस्निया से उठने वाली चीखों को दबा दिया गया। अरे इंडिया के अंदर गुजरात में मुसलमानों के घरों को जला दिया गया, मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, बर्मा के अंदर मुसलमानों के खून की नदियां बहाई गई। अरे क्या हुआ मुसलमान